ट्विटर में आकर ओपी लॉ में आकर पहली दफा और फर्स्ट बैच लॉ का कैसे लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। बस सही है लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असफंद यार शो। मैं हूं आपका मेज़बान असफंद यार खान काकड़ और आप देख रहे हैं असफंद यार लॉ। आज ब्यूटन सिटी कैंपस लॉ वाले के पास मैं आया हूं, उनके साथ टंग ट्विस्टर गेम खेलेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, फन करेंगे। आप ब्यूटीफुल आज तक क्लास में देख लीजिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो। आप लॉ में आए हो और भी सिटी कैंपस में, हमारा पुराना कैंपस था, आप लोगों ने हमसे चीन करा, कैसे लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस सही है लेकिन 50% अच्छा है, 50% बेकार। सरासर में बार कौंसल से, बार कौंसल ने इन लोगों से डिमांड की हुई थी कि हमें जो है ना अलग सा एक कैंपस दो, तो बार कौंसल ने पूरा किया। हमें जो है ना असल में लॉ जो है ना अच्छा है, वकील बनेंगे हम फ्यूचर, तो हमें तो कुछ अच्छा देना चाहिए इन्होंने। जी तकातु कैंपस में गया। क्या फर्क है तकातु और सिटी? तकातु में है कि एज़ कम्पेयर अगर बात की जाए तो हमें जो है ना ये कैंपस बहुत अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू तकातु से। क्यों वाला अच्छा लगा? जी ये इसलिए ऐसा लगा, वो थोड़ा बड़ा है, मतलब जो है ना, मतलब वहाँ पे ऐसे मुझे जो है ना पढ़ाई का माहौल सही से नहीं लगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना बस एक तो छोटी भी है जगह, और यहाँ से अच्छे से बंदा जो है ना हमारे लिए एक फैसिलिटी है, क्योंकि नज़दीक भी है, क्योंकि शहर के नज़दीक भी है, वो थोड़ा दूर भी पड़ता है हमें, इस वजह से। तकातु कैंपस का ये फ़र्क है, तकातु कैंपस हम लोगों के घर से बहुत दूर है और सिटी कैंपस बहुत नज़दीक है। यहाँ पे मतलब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मार्केट वगैरह या कोई और जगह नज़दीक है तो आप लोग जा सकते हैं आराम से, वो तो बहुत दूर है, चलते चलते ही बंदा तक जाते हैं। जी चलो ठीक है, अगर बसेज वगैरह हो तब? बसेज वगैरह हो तब भी मारा नहीं करता। अच्छा। ये जगह अच्छा है क्योंकि अपनी सिटी के अंदर है ना, तो और एनवायरनमेंट के बारे में बताओ, उसके एनवायरनमेंट के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्यूटन से हमें कुछ ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का सोचा होगा, इसीलिए हमें यहाँ पर शिफ्ट किया, वरना 100 बच्चे तो वहाँ पर तकतु में भी सेटल किए जाते थे। तो इसके मतलब है कि यहाँ पर वो लोग हमें इस तरह का भी एनवायरनमेंट मेरे ख्याल में प्रोवाइड करें। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र भर भर पहले तो एक दफ़ा सुन लो। जी जी। फिर आपने तीन दफ़ा तेज दोहराना है। जी जी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। दोबारा रिपीट करें सर। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र के भर को देखा, नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र लग गई। नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र की नज़र को नज़र लग गई। तीन दफ़ा तेज दोहरा। नहीं होगा सर इस तरह, हम लोग खुद किधर होगा, इतना कॉन्फिडेंस किधर है हम लोग के अंदर। नहीं सर, आप आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये आप सीखते कहां से हैं सर? इंटरनेट। इंटरनेट तो सर ये फिर जबान में याद, रात को रटा मारते हैं मेरे ख्याल से। तो ये रटा हम लोगों को भी सिखाओ, हम लोगों को पेपर हो रहे हैं मिड के, हम लोगों को तो वो भी समझ नहीं आ रहा। पेपर हाँ सर, पेपर कैसे जा रहे हैं? सर अच्छे जा रहे हैं, आज इंग्लिश का पेपर था। बस सर आगे से भी देखते हैं, पीछे से भी देखते हैं, खुद अपने आप से भी लिखते हैं सर। अच्छा, आगे से पीछे कुछ मिलता है? नहीं मिलता है सर, वो आगे वाला अलग होता है, पीछे वाला अलग होता है। बाद में हम लोग को पता चलता है कि यार ये हम लोगों ने जो है बी ऑप्शन, उसका सी हमारा डी है, बाद में पता चलता है। अच्छा, ये बता दो कि कोई पैगाम दो जो आवाम है, पब्लिक को कोई पैगाम। सर आवाम को पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, ये जो ये तकतु कैंपस में अपना टाइम पास कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सर ये बूंदीबाजी कर रहे हैं बस। मैं ये बोलता हूँ भाई आओ प्रोफेशनल लाइफ में, आओ लॉ करो, कुछ 5 साल के बाद वकील तो बनो, रात को घर में चाय पानी, बीवी बोले कि यार दूध नहीं है बच्चे का, वो तो कम से कम लेके आओ। ये सर ये कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, एक्सपीरियंस फनी एक्सपीरियंस बिटवीन लॉ। मुनाफिक लोग बहुत मिले, साफ बात है। अच्छा, साफ बात है, स्पेशली स्टार्ट में बहुत ज्यादा आपके मुंह पे आपके होते हैं, दूसरे के मुंह पे दूसरे के। अच्छा, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं यहाँ पे। नजर ने नजर भर को देखा, नजर को नजर की लग गई। क्या? नजर को नजर की लग गई। क्या लग गई? नजर को नजर भर ने नजर को देखा। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। सर आप इतने मुश्किल ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन क्यों करते हैं? ये आप कहां से सीखते हैं सर? मैं जहाँ से भी सीखो आप बता दें। लेकिन हमारे कभी ये जहन से ऐसे नहीं गुजरे कि हम आपको बताएं। बहुत रटा नाम तो कभी कोई चीज़ सुना? रटा मैंने कभी लगाया नहीं है। नहीं लगाया? नहीं लगाया मेरा, मैं वही लगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना, बोलता है ना नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, आप नज़रों में भी नज़र, मैंने आपको नज़र भर के देखा। जी फिर नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा और नज़र को नज़र की नज़र लग गई। तेज़ बोलो।
नजर को स्पीड नहीं, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लगी, नजर ने नजर नजर भर को देखा, नजर को नजर की लग गई बिल्कुल नजर को कोई फन करो, एंजॉयमेंट करो, कोई गाना वाना गाओ। डेडिकेट में करता हूँ मोहेश को। हिकड़ो माणू आ मोती अदाणो आ, ओ हिकड़ो माणू आ मोती अदाणो आ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंची, कुछ पूंछे ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंची, कुछ पूंछे ऊंची। तेज बोलो। ऊंचे ऊंट की ऊंच ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंची। ऊंचे ऊंच की ऊंच ऊंची। लेट्स ट्राई अगेन। ऊंचे ऊंच की पूंछ ऊंचे ऊंच की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंची, कुछ पूंछे ऊंची। ऊंटे सॉरी नहीं हो रहा। तो ये थी वीडियो। अभी आप बता दीजिए कौन सा पार्ट आप लोगों को पसंद आया। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में बेल आइकन प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।